हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की। बेटा रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। मैं ये क्वेश्चन कर क्यों रहा हूँ पहले यही बता देता हूँ बेटा, आज मैं दो तीन क्वेश्चन ऐसे करूँगा जिसमें एग्जीक्यूटर अकाउंट मुश्किल है। ठीक है, आसान बातें तो हो गई, लोन अकाउंट मैंने बहुत आसान आसान बनाए थे और मैंने कहा था बेटा इसको बहुत टिपिकल किया जा सकता है। ठीक है ना, तो आज टिपिकल वाला एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखते हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं बेटा। बोलता है आर एस एंड टी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 5:3:2 ऑन 31st of March 2018। द बैलेंस शीट स्टूड एज लाइबिलिटी साइड में बेटा कैपिटल में देता है आर एस ओ टी की कैपिटल, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, क्रेडिटर एंड बिल पेएबल। अगर मैं एसेट साइड की बात करूँ तो बेटा गुडविल, लीज होल्ड, पेटेंट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक। तो बेटा मेरे पास एक वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है और एक गुडविल है बेटा जिसको राइट ऑफ करना है मुझे। ठीक है जी, बढ़ते चलो आगे। टी डाइड ऑन 1st of August 2018। इट वॉज एग्रीड दैट ए पॉइंट बोलता है गुड विल बी वैल्यूड एट 2.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट विच वर लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट दे देता है। मशीनरी भी वैल्यूड एट 1,40,000, पेटेंट भी वैल्यूड एट 40,000, लीज होल्ड भी वैल्यूड एट 125 ऑन 1st of August 2018। ये रीवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट पहली बार आ रही है मेरे सामने, मैंने नहीं अभी तक कोई क्वेश्चन करा रीवैल्यूएशन का डेथ में। सी पॉइंट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग टी शेयर इन अ प्रॉफिट ऑफ 2018-19, द प्रॉफिट इन ईयर 2018-19 शुड बी टेकन टू बी एक्रूड ऑन द सेम स्केल एज इन 2017-18। यानी कि 2018-19 में उतना ही प्रॉफिट मान लेना जितना 2017-18 में हुआ था। ठीक है जी बेटा, ये बात बहुत बार कर ली। डी पॉइंट बोलता है अ सम ऑफ 21,000 टू बी पेड इमीजिएटली टू द एग्जीक्यूटर ऑफ टी and the balance to be paid in 4 equally half-yearly installment together with interest at the rate 10% per annum. Pass necessary journal entry to record the above transaction and tease executor account. मज़ा आ जाएगा बेटा, देख लेना जब एग्जीक्यूटर अकाउंट पे आएंगे तब देखते हैं बेटा कितना मज़ा आने वाला है। लो प्यारे बच्चों, खैर बात करते हैं। अभी इसने बोला जर्नल एंट्री पास कर लो, मैं कोई जर्नल एंट्री नहीं कर रहा। ठीक है ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा बेटा, बात करूंगा टीज कैपिटल अकाउंट की और फिर बेटा टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट की बात करेंगे। ठीक है जी, लो आप फटाफट से सामने देख रहे हैं मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन करवाओ जी बेटा। सबसे पहले बात करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की। रीवैल्यूएशन अकाउंट चलो जी, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, बैलेंस को लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। टी का बैलेंस है बेटा 75,000। बात करूंगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। बेटा क्या कोई लायबिलिटी थी, मैंने क्वेश्चन पढ़ा वर्कमैन कंपनसेशन पे कोई लायबिलिटी थी कहां पर, कब? हाँ वही तो, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेटा कितने के दे रखे हैं, 30,000 के दे रखे हैं और टी का शेयर कितना है 2/10। तो बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में टी का हिस्सा कितना है, 6,000 है। बेटा गुडविल राइट ऑफ करनी है मुझे, लो जी टू गुडविल, गुडविल दे रखी है बेटा 25,000 की और टी का हिस्सा है 2/10, दैट मीन्स 5,000 रुपये से उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं बेटा। बाबू बोलता है टी की डेथ हुई है 1 अगस्त को, यानी कि बेटा फाइनेंशियल ईयर 4 महीने चला। ठीक
ठीक है ना, अप्रैल मई जून एंड जुलाई, ठीक है जी। बाबू गुडविल की वैल्यूएशन करनी है 2.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट फोर ईयर। बेटा लास्ट फोर ईयर के प्रॉफिट दिए हुए हैं, एवरेज कैलकुलेट करते हैं 65,000, 60,000, 80,000 एंड 75,000 डिवाइडेड बाय 4, 140 एंड 140, 280 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 70,000, 70,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट आ गया। और गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी बेटा, 2.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट फोर ईयर्स, ठीक है ना बेटा। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2.5 दिए हुए हैं, यानी कि बेटा फॉर्म की गुडविल आ गई 1,70,000। तो टी का हिस्सा कितना बेटा, टी का हिस्सा है बेटा 2/10, यानी कि बेटा 35,000 रुपये कंपनसेशन देनी है। जो देगा कौन बेटा, देंगे बेटा आर और एस इन द रेशो ऑफ 5:3। पुरानी रेशो है बेटा 5:3:2, टी की डेथ हुई है बेटा, गेनिंग रेशो भी यही होगी और न्यू रेशो भी यही होगी। तो बेटा ये दोनों देने वाले हैं, कैलकुलेट कर लो कितना कितना देना पड़ेगा। लो जी मैंने कैलकुलेट कर दिया कि आर किस कितना देगा और बेटा एस कितना देगा। लो फटाफट से लिखता हूँ, बाय आर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा आर कंपनसेशन देगा 21875 की और बेटा टी कंपनसेशन देगा 13125 की, बाय आर्स कैपिटल अकाउंट एंड बाय टीस कैपिटल अकाउंट। बढ़ जाओ आगे बेटा, कहता है मशीनरी को वैल्यू करना 1,40,000 पे। बैलेंस शीट में देख रहा हूँ मशीनरी 1,50,000 रुपए की है, यानी कि 10,000 से कम कर दूँ। लो जी रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख रहा हूँ बेटा 2 मशीनरी 10,000 से मैंने मशीनरी को कम कर दिया। बेटा पेटेंट की वैल्यू कहता है 40,000 है, बैलेंस शीट में 30,000 दिया गया है, यानी कि बेटा पेटेंट को 10,000 रुपए से बढ़ाना है। लो जी बेटा 10,000 से पेटेंट को बढ़ा दिया। आगे बढ़ो बेटा, कहते हैं लीज होल्ड की वैल्यू है 1,25,000 जबकि बैलेंस शीट में 1,00,000 है, यानी कि बेटा लीज होल्ड की वैल्यू को कितना बढ़ाना है, 25,000 से बढ़ाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म, और कोई भी एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन पे नहीं है। तो बेटा इस अकाउंट को तो अभी क्लोज कर दो, हाइएस्ट टोटल वुड बी ऑन बोथ साइड। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ गया 25,000 का और ये बेटा बट किस में जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में बट जाएगा, ओल्ड रेशो में, ठीक है जी। ओल्ड पार्टनर है आर एस और टी, ठीक है ना। मेरे को तो टी के लिए सोचना है, मैं तो आर और एस का शेयर भी कैलकुलेट नहीं कर रहा। टी को क्या मिलेगा बेटा, 2/10 यानी कि 5,000 रुपये, ठीक है जी। मैं क्यों सोचूं आर और एस का, मुझे कुछ करना ही नहीं आगे जाकर इसका। तो बेटा लो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना हिस्सा आ गया इसका बेटा, 5,000 रुपये, कोई दिक्कत तो नहीं। बड़े आगे सी पॉइंट बेटा, कहता है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग टी शेयर इन अ प्रॉफिट 2018-19 द प्रॉफिट इन 2018-19 शुड बी टेकन टू हैव एक्रूड ऑन द सेम स्केल एज इन द ईयर 2017-18। बेटा 2018-19 का प्रॉफिट उतना ही मान लेना, सेम स्केल पे मान लेना जितना 2017-18 में था। 17-18 का प्रॉफिट देखो, ए पॉइंट में मेरे को सबसे लास्ट में दिया गया 75,000, ऐसा ही है। या मान लो बेटा पूरे साल में 18-19 में 75,000 का प्रॉफिट होता, बेटा फाइनेंशियल ईयर चला है 4 महीने, यानी कि पूरी फर्म का 4 महीने का प्रॉफिट इतना होगा। और बेटा टी का शेयर है 2/10, सर 2/10, तो बेटा टी का शेयर कैलकुलेट ईजिली हो सकता है, ठीक है जी। ठीक है जी, लो जी बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, ओके बात। बेटा डी पॉइंट में बोलता है अ सम ऑफ 21,000 टू बी पेड इमीजिएटली टू द एग्जीक्यूटर ऑफ टी एंड द बैलेंस टू बी पेड इन 4 equally half yearly इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। काम की बात सुन लो,
सर यहीं से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता ही है, बाकी तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं था कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। बेटा कहता है टी के एग्जीक्यूटर को अभी के अभी 21,000 रुपए दे देना। मैं आपको बता देता हूँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती क्या करते हैं बेटा, बाबू 21,000 यहीं पे कर देते हैं टू बैंक अकाउंट। आप खुद समझो बेटा, अगर आपने यहीं पे कर दिया टू बैंक अकाउंट 21,000, इसका टेक्निकली मतलब क्या हुआ, टी की कैपिटल कम कर दिया आपने, पैसे दे दिए। ये तो टी को ही पैसे दे दिए, अगर टी की कैपिटल में ही पैसे डाल दिए तो आपने, टी जिंदा है, किसको दे रहे हो 21,000 रुपए। अगर मैं यहीं लिख दूं टू बैंक अकाउंट 21,000, इसका मतलब समझ रहे हो आप, टी को पैसे दे दिए 21,000 रुपए। टी तो बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया, कहां से दे रहे हो उसको 21,000 रुपए आप, ठीक है ना। एग्जीक्यूटर को देने हैं तो किस अकाउंट में पे करूंगा, टी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में पे करूंगा, यहां कुछ नहीं लिखूंगा, ठीक है। यहां तो सीधा सर लिखूंगा बेटा टू टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, देखता हूं जी टी के एग्जीक्यूटर को कितना पैसा देना है। तो बेटा हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड, ठीक है ना, लो कैलकुलेट करते हैं फटाफट से। तो बेटा टी के एग्जीक्यूटर को टोटल पैसे कितने देने हैं, 1,21,000, और क्वेश्चन कहता है बेटा 21,000 आज ही दे देना और बाकी दे देना 4 बराबर किस्तों में, हाफ ईयरली किस्तें हैं, 4 बराबर हाफ ईयरली किस्तों में टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। और यही तो मजेदार बात है बेटा। लो प्यारे बच्चों टी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते हैं, मैं बुक छोड़ देता हूँ थोड़ी देर के, ठीक है जी। और एग्जीक्यूटर अकाउंट का ही मजा है बेटा, बाकी तो क्वेश्चन सिंपल ही था, कोई दिक्कत है ही नहीं क्वेश्चन में। तो बेटा टी को मुझे 1,21,000 देने हैं, मैं रब कर दूं, मुझे स्पेस की जरूरत होगी इसको रब कर देता हूं, ये तो खैर सिंपल ही था। बस मैं क्या करूंगा, जैसे यहां पर एंट्री क्या हुई होगी, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, जब मैं टी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बना रहा हूं तो वहां पर लिखूंगा बाय टीज कैपिटल अकाउंट 1,21,000, क्वेश्चन वहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है जी, बात ओके। चलो लो प्यारे बच्चों फटाफट से आगे बढ़ते हैं, टी का एग्जीक्यूटर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं ऐसा ही कोई लोन अकाउंट या एग्जीक्यूटर अकाउंट पेपर में आएगा 6 नंबर में, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में 6 नंबर में, वो नहीं आ सकते जो पीछे आप करके आए हो जरा जरा से कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना बेटा। लो तो हम बना रहे हैं बेटा टी का एग्जीक्यूटर अकाउंट, बिना डेट के मत बनाना बेटा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन में डेट मेंशन है, ठीक है ना। बेटा ये वाला तो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता बिना डेट के, बाकी तो बता दूंगा तेरे को, हाँ वो मैं तेरे को बता दूंगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बिना डेट के हो नहीं सकता। सिर्फ डेट की वजह से ही कैलकुलेशन मुश्किल है, मैं ये भी बता देता हूं, अगर डेट ना हो फिर तो बेटा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है इस वाले। लो जी तो टी के एग्जीक्यूटर अकाउंट को स्टार्ट कर रहा हूं, लिखूंगा क्या बेटा बाय टीज कैपिटल अकाउंट 1,21,000, ऐसा ही है बेटा। कब देने हैं ये पैसे, बेटा टी की डेथ हुई है 1st of August 2018 को डेथ हुई है, 1st of August 2018 को बेटा मुझे देने हैं टी को 1,25,000। क्वेश्चन कहता है 21,000 रुपए आज ही दे दिए और अभी दे दिए, ऐसा ही किया बेटा, तो आज और अभी दे दो बेटा। टी के एग्जीक्यूटर को दिए 21,000 रुपए, टी का एग्जीक्यूटर अकाउंट ही हम बना रहे हैं बेटा, आज ही दे दो 21,000 रुपए टू बैंक अकाउंट। जब आप पेमेंट करोगे बेटा कहीं ना कहीं जेब से बैंक बैलेंस चला जाएगा, बैंक बैलेंस आता है तो बैंक डेबिट, जाता है तो बेटा क्रेडिट में लिखता हूं, और मैं क्रेडिट साइड ही लिख रहा हूं 21,000 रुपए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बेटा काम की बात क्या शुरू होती है, कहता है बचा हुआ जो बैलेंस है वो 4 किस्तों में देना है, और ये वो 4 किस्तें बेटा हाफ ईयरली किस्तें, यानी कि यार 6 महीने के बाद दी जाएंगी किस्त, और बेटा जो किस्त दी जाएगी वो टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर है। जी है बेटा काम की बात। एक बात बताओ अभी बचा हुआ बैलेंस कितना है, 1,21,000 देने थे 21,000 दे दिए, इसी से ही पता लग जाता है क्वेश्चन ठीक किया हमने, है ना, इसी से ही पता लग जाता है जब क्वेश्चन कह रहे 21,000 दे दो आज ही दे दो 21,000, और बेटा बैलेंस आया आपका 21,000,
121,000, तो कहीं ना कहीं श्योरिटी आ गई कि हमने ठीक करा। बेटा अब देखो पहले बताओ बैलेंस बचा कितना है टोटल, 1,00,000, 4 बराबर किस्तों में देना है, यानी कि 25,000 की 4 किस्तें होंगी, लेकिन इसमें इंटरेस्ट जोड़ लेना, उसने कहा ना टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर आना। अब किस्तें कब देनी है, 6-6 महीने के बाद। सर यहाँ से 6 महीने बैठते कितने हैं, यही तो गेम है, सारी गेम यही है। ओहो नहीं नहीं ऐसे कैसे सितंबर में दे देंगे, हमारे लिए 6 महीने कब हुए, हमने आज तो उसको पैसे दिए हैं, तो मेरे लिए तो 6 महीने इसके बाद से ही गिनूंगा ना मैं, 6 महीने कब हुए मेरे, 31 जनवरी, और उसके बाद फिर 31 अगस्त, फिर 31 जनवरी, और फिर 31 अगस्त। मुसीबत ये नहीं है, मुसीबत ये है बेटा 31 जनवरी को आप एक किस्त पे करोगे, लेकिन फिर अकाउंट क्लोज करके दिखाना पड़ेगा 31 मार्च को। अब आएगा मजा, आओ मेरे साथ साथ कैलकुलेट करते हैं। लो प्यारे बच्चों बहुत मजा आने वाला है, और ये क्वेश्चन पेपर का पार्ट होना चाहिए, मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा पेपर में अगर ये आ जाए तो, इतने आसान क्वेश्चन थोड़ी आते हैं बेटा। लो अब बेटा 6 महीने बीत गए, आज 31 जनवरी 2019 है, ठीक है जी, ब्याज देना है, 2G ब्याज बाय इंटरेस्ट, कैलकुलेट करो बेटा, 1,00,000 रुपए आपने देने हैं, 10% पर एनम ब्याज, 6 महीने का कितना, ये मत गलती कर दे रहा, 6 महीने का कितना बेटा, 6 महीने बाद ही तो दे रहा हूँ किस्त, तो 6 महीने का तो ब्याज दे रहा हूँ, तो बेटा 5,000 रुपए। बाबू इसने कहा था जो आप किस्त दोगे ब्याज के साथ दोगे, यानी कि किस्त कितनी जाएगी, 30,000 रुपए। भाई 1,00,000 रुपए देना था, उसने कहा 4 बराबर किस्तें देना बट टुगेदर विद इंटरेस्ट देना, यही तो कहा था, यानी कि बेटा आप कितने रुपए की किस्त देगा, 30,000 रुपए देगा बेटा। लो प्यारे बच्चों 30,000 रुपए पे कर दिए, कब, 31 जनवरी 2019 को, क्या लिखो जी, टू बैंक पे कर दिए 30,000 रुपी, ठीक है जी। अब बच्चे गलती क्या करते हैं ये बताता हूँ, गलती क्या करते हैं, सीधा लिखेंगे 31 मार्च और निकाल देंगे बैलेंस शीट, ब्रॉड डाउन कर देंगे, अरे कैसे निकाल रहे हो तुम। सर देखो एक बात सुनो, हमने ना एक 11th क्लास में हो सकता है कभी थ्योरेटिकली एक कंसेप्ट पढ़ा नोन एज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट या पीरियडिसिटी जिसको बोलते हैं। बेटा आप जब भी एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो या इनकम रिकॉर्ड करते हो अकाउंट्स में, तो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए करते हो, जनरली फॉर अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना। अब मैं यहां पर देखो अकाउंट को क्लोज जरूर करूंगा 31 मार्च को, लेकिन क्या मैं 2 महीने का इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं करूंगा, आप खुद सोचो, अगर मैं यहीं पर अकाउंट को क्लोज कर दूं और लिख दूं टू बैलेंस सीडी और बेटा इसी को ब्रॉड कर दूं बाय बैलेंस बीडी, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया, क्योंकि मैंने जो ब्याज दिखाया अकाउंट्स में वो 31 जनवरी तक का ही दिखाया है, 2 महीने का ब्याज अभी मेरे ऊपर एक्रू हो चुका है बेटा, मुझे पे करना है, आउटस्टैंडिंग हो चुका है। सर मैं कब पे करूंगा, हर 6 महीने बाद पे करने वाला हूं ना, इसके बाद पे कब करूंगा, 31 जुलाई को पे करूंगा, फिर बेटा 31 जनवरी को पे करूंगा, फिर 31 जुलाई को पे करूंगा। लेकिन बेटा आप ये सोचो, मैंने अभी तक अगर मैं इस फाइनेंशियल ईयर की बात करूं 18-19, मैंने ब्याज कहां तक दिया है, 31 जनवरी तक दिया है, तो बेटा 2 महीने का इंटरेस्ट अभी आपके ऊपर आउटस्टैंडिंग हो चुका, ठीक है ना, देना है वो इंटरेस्ट भी, तो बेटा रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा 2 महीने का इंटरेस्ट, चलो जी करो रिकॉर्ड। तो बेटा 31 मार्च 2019 मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं अपना इंटरेस्ट जो मुझे पे करना है, मैंने अभी पे नहीं करा, बाय इंटरेस्ट कितना पैसा देना है मैंने अभी भी, 75,000। सर 1,00,000 देना था ब्याज के साथ, ठीक है ना, जितनी ब्याज आई वो 25,000 के साथ किस्त में जोड़ दी, अभी 3 किस्तें देनी है ना, 75,000 रुपए देने हैं ना मैंने, 75,000 देने हैं, 10% पर एनम इंटरेस्ट है, 2 महीने का कितना, लो जी 2 महीने का कितना कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, 12,50, ठीक है जी। और बेटा 31 मार्च 2019 को मैं क्या करूंगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बेटा 75,000 देना था और बेटा 12,50 का इंटरेस्ट अभी आउटस्टैंडिंग मेरे ऊपर हो चुका है, लो जी अकाउंट क्लोज हो गया, टोटल कर लेना बराबर आएगा।
ठीक है जी, चलो जी आ जाओ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बेटा। 1 अप्रैल 2019 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 76250 बेटा। 31 जुलाई को आपने किस्त देनी है, भूल मत जाना, ठीक है जी। निकालो इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट और किस अमाउंट पे ये बता दो मुझे। इंटरेस्ट देना है 6 महीने हो गए, देख लो 31 जनवरी को आपने किस्त दी थी बेटा। अब किस्त कब देनी है बेटा, 31 जुलाई को देनी है। 31 जुलाई तक का मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया था 31 मार्च तक का, 4 महीने का और कैलकुलेट करूँगा, ठीक है ना जी। 6 महीने का इंटरेस्ट देना था, 4 महीने का और कैलकुलेट करूँगा। अमाउंट बताओ किस पे कैलकुलेट करूँ, 75,000 या 76250? 76250 पे क्यों कैलकुलेट करूँ, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कर रहा हूँ मैं। सर देखो अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट करते हो, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। 76250 में क्या इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ, इंटरेस्ट तो जुड़ा हुआ इसमें 12,50 का। तो सर ब्याज तो 75,000 पे ही देना है आपने। मैंने कितने पैसे देने हैं टीके एग्जीक्यूटर को, अभी 75,000 देने हैं ना। अगर मैंने यहाँ 2 महीने की ब्याज निकाली तो 4 महीने क्या निकाल रहा हूँ, निकालूंगा तो 75,000 के ऊपर ही ना, ठीक है ना। और आप निकाल के देख लेना, वैसे अगर 2 महीने की ब्याज 12,50 है तो 4 महीने की 2500 होगी। मुझे नहीं पता आप कैलकुलेट भी करोगे, कहीं समझदार तो कैलकुलेट भी करेंगे इसको, ठीक है ना। मैं उनका कुछ नहीं कर सकता, अगर आपको क्वेश्चन मुश्किल करना है तो, ठीक है जी। तो बेटा पे करें किस्त, लो जी 31 जुलाई 2019 टू बैंक अकाउंट कितना पे करना है बेटा, 25,000 की किस्त टुगेदर विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है, 2500 और 12,50 37,50। ओके बात क्लियर, बात आगे फिर क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। अगली किस्त, अगली किस्त कब बैठेगी बेटा, 6 महीने के बाद, यानी कि कब आएगी वो, इसी फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगी, 31 जनवरी 2020 को, ठीक है जी। लो कैलकुलेट करना, बाय इंटरेस्ट कितना पैसा देना है, 50,000। 50,000 का 10% इंटरेस्ट 6 महीने के लिए 2500 रुपये ही आएगा बेटा, कैलकुलेट कर लेना 2500। तो बेटा मुझे क्या करना है, मुझे किस्त पे करनी है 31 जनवरी 2020 को 25,000 की किस्त 2500 के साथ, यानी कि 27,500, ठीक है जी। एक आखिरी किस्त रहती है बेटा, कब पे करनी है, 31 जुलाई, लेकिन भूल मत जाना बाबू फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है बीच में, यानी कि 2 महीने का, फिर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग दिखाओगे आप, करो जी दिखाओ जी। 31 मार्च 2020 बाय इंटरेस्ट कितने पैसे देने हैं बेटा, 25,000 रुपये देने हैं, 10% इंटरेस्ट है, 2 महीने का ब्याज है। ये पंगे वाला मैटर है, अप्रॉक्सीमेटली 417 आएगा, कैलकुलेट करके देख लेना आप। 31 मार्च 2020 क्या लिखोगे बेटा, टू बैलेंस कैरेट डाउन 25,417 रुपये। लो बेटा अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फिर बेटा इसको क्या करूँगा, ब्रॉड डाउन करूँगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 25,417 रुपये। और बेटा फिर 31 जुलाई को मुझे किस्त देनी है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट 4 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, किस पर बेटा, अगेन 25,000 पर। तो बेटा 2 महीने का ये है, तो 4 महीने का कितना, 834 मत लिखना, 833 लिखना, क्योंकि ये 6666 था बेटा, तो मैंने राउंड ऑफ किया था, ठीक है जी। तो बाबू ये कुल मिलाकर इंटरेस्ट है 12,50 का, यानी कि किस्त बैठेगी 26,250 की, और मैं ये पे कर दूंगा 31 जुलाई 2020 को, और यहीं अकाउंट ख़त्म हो जाएगा। अब सुन लो पेज क्या था इस क्वेश्चन बेटा। देखो आपके लिए सबसे आसान बात होती अगर कह देता पहली किस्त 30 सितंबर दूसरी किस्त 31 मार्च 30 सितंबर 31 मार्च फिर तो बेटा कुछ क्वेश्चन में था नहीं। 30 सितंबर तक आप ब्याज निकालते पे करते, 31 मार्च तक ब्याज निकालते पे करते। क्वेश्चन तभी फंसता है बेटा जब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होगा, जहां पर जैसे फंसा बेटा। बाबू 4 हाफ ईयरली किस्तें देनी है आपको, ठीक है ना, और बेटा स्टार्ट करना है 1 अगस्त से, यानी कि 31 जुलाई से। 6 महीने पूरे हो गए, 31 जनवरी को आपने 6 महीने का ब्याज निकाला, किस्त दे दी। अगली किस्त बैठेगी अगले फाइनेंशियल ईयर में बेटा, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में भी 2 महीने पड़े हैं बेटा, क्या 2 महीने का आपको इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग नहीं दिखाना पड़ेगा।
सर याद कर लो, ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट बनाते थे हम, ऐसा होता है खर्चा 10 महीने का दिखा के छोड़ देते हैं या 6 महीने का दिखा के छोड़ देते हैं, पूरे साल का ही तो खर्चा बुक करते हैं, तो मैं पूरे साल का खर्चा बुक कर रहा हूँ, 2 महीने का मैं इंटरेस्ट अपने लिए आउटस्टैंडिंग कर रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। मैंने बैलेंस में भी दिखा दिया, सेम बैलेंस ब्रॉड डाउन करा, 4 महीने का इंटरेस्ट और कैलकुलेट करा, किस्त पे कर दी, फिर बेटा 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करा, किस्त पे कर दी, अगेन 2 महीने फिर बच गए बेटा फाइनेंशियल ईयर में, तो बेटा खर्चा तो बुक करना पड़ेगा। मैंने फिर खर्चा बुक करा, बैलेंस निकाला बेटा, बैलेंस ब्रॉड डाउन करा, 4 महीने का ब्याज निकाला, पे कर दिया, सिंपल। तब कितना मजा आए अगर क्वेश्चन कह दे हर 3 महीने बाद पे करो, मजे का लेवल अलग हो जाएगा बेटा। अगर क्वेश्चन कह दे हर 3 महीने बाद पे करो, ऐसा क्वेश्चन पेपर में देना, टेस्ट में दूंगा मैं ऐसा क्वेश्चन, हर महीने पे, फिर तो बेटा जान ही सूख जाएगी, ठीक है ना। फिर तो जान ही सूख जाएगी बेटा। चलो जी, बात क्लियर, अभी आप नोट डाउन करेंगे इतना। नंदी मैंने बेटा एक काम करते हैं, इसको और आसानी से समझने के लिए ना एक नंबर लाइन बना लो, अगर आपको लगता है कि मेरे को बहुत आसान कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है। टी की डेथ हुई है बेटा 1st of August को 2018 में, और बेटा मुझे 4 किस्तों में पेमेंट करनी है 1 लाख रुपए की टुगेदर विद इंटरेस्ट, ठीक है ना, ऐसा ही करना है मेरे को। बाबू 6 महीने पूरे कब होंगे पहले दिया आप ये लिख लो आराम से, और कुछ भी मत करो, ठीक है जी। 6 महीने पूरे होंगे मेरे 31st of January 2019, फिर 6 महीने मेरे पूरे होंगे बेटा 31st of July 19, 31st of January 2020 और बेटा 31st of July 2020, ये मैंने 6 महीने की 4 किस्तें लिख ली। किस्तें कितनी है बेटा ये भी समझ लो, 25,000 के साथ साथ ब्याज है, 25,000 प्लस इंटरेस्ट, 25,000 प्लस इंटरेस्ट, ऐसा ही कहता है ना क्वेश्चन। लो मैं नंबर लाइन पे समझाने की कोशिश करता हूँ, ये 4 दिन में मैंने पेमेंट करनी है 25,000 रुपए की, लेकिन टेक्निकली चीज समझो बेटा, बाबू इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, हो रहा है, यानी कि बेटा यहाँ 31 मार्च को कहीं फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है बेटा, ठीक है, और यहाँ पर भी बेटा कहीं ना कहीं 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, ऐसा ही है, यानी कि जो पहला फाइनेंशियल ईयर है उसमें मैंने 1 बार पेमेंट कर रखी है, दूसरे फाइनेंशियल ईयर में मैंने 2 बार पेमेंट कर रखी है, और तीसरे फाइनेंशियल ईयर में भी मैंने 1 बार पेमेंट कर रखी है, ऐसा ही है, ठीक है। अब बेटा देखो दिक्कत क्या आती है समझ लो, 31st of January यहाँ से 6 महीने मुझे 1,21,000 देने थे, मैंने 21,000 इमीजिएटली दे दिए, यानी कि मैंने अभी 1 लाख रुपये और दे दिए, मैंने 1 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करा 10% पर एनम, लेकिन 6 महीने का मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, तो यानी कि मेरी पहली किस्त कितनी होनी चाहिए, 25,000 ही है और 5,000 का ब्याज, यानी कि बेटा कितना 30,000 मैंने पे कर दिया, ठीक है। बाबू दूसरी किस्त कब है, अगले फाइनेंशियल ईयर में है, लेकिन उसके बीच में कहीं ना कहीं आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, और फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने का मतलब ही बहुत बड़ा पेच है बेटा। अब बाबू एक बात बताओ, मैंने अपना इंटरेस्ट का खर्चा 31st of January तक दिखाया, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं सीधा का सीधा यहीं पर बचा हुआ बैलेंस ब्रॉड डाउन कर दूं 75,000, तो मैंने क्या गलती कर दी ये समझ लो। फिर बेटा मैं क्या करूंगा, यहीं पर 31 जुलाई तक दिखा दूंगा क्या, 31 मार्च से लेकर 31 जुलाई तक 6 महीने का ब्याज दिखा सकता हूं मैं, 31 मार्च से लेकर 31 जुलाई तक 6 महीने का ब्याज दिखा सकता हूं, हैं कितने महीने, 4 महीने। तो बेटा मेरे को क्या करना चाहिए, मुझे इस पीरियड का इंटरेस्ट इसी पीरियड में तो दिखाना है, इस 2 महीने का इंटरेस्ट इसी पीरियड में तो दिखाऊंगा इसी फाइनेंशियल ईयर तक, तो मैंने बेटा पहले बैलेंस निकालने से पहले 2 महीने का इंटरेस्ट निकाला जो मुझे 75,000 पे करना है, अगली किस्त के साथ पे करना है, मैंने बेटा इसको कायदे से ये सही मायने में इंटरेस्ट है ही नहीं, ये सही मायने में मेरा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है जो मैंने अभी पे नहीं करा, मैंने रिकॉर्ड कर दिया बेटा इसको एज वेल एज इसको बैलेंस में भी लिख दिया। जब बैलेंस मैंने ब्रॉड डाउन करा तो बेटा सबसे पहले मैंने 4 महीने का ब्याज और निकाला, 75,000 पर ही 4 महीने का इंटरेस्ट ये निकाल दिया, 4 महीने का इंटरेस्ट, और बेटा यहां पर एक किस्त पे कर दी 25,000 प्लस इंटरेस्ट, 25,000 तो देने हैं, 2 महीने का इंटरेस्ट ये रहा, 4 महीने का इंटरेस्ट दे, यानी कि टोटल इंटरेस्ट कितना है बेटा 37,500,
25,000 प्लस 3750 28,750। ठीक है जी, अगली किस्त में प्रॉब्लम ही आएगी क्योंकि सेम फाइनेंशियल ईयर है, 31 जुलाई से लेकर 31 जनवरी 6 महीना यहीं पर है बेटा। तो बाबू मैंने 50,000 रुपये देने हैं, 10% पर एनम 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करा और मैंने ये पे कर दिया। ठीक है जी, अगेन फिर एक बात बोलता हूँ बेटा, अब यहाँ फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है और मेरी बेटा आखिरी किस्त आती है 31 जुलाई 2020 को, अगर मैं इस 2 महीने का कुछ भी ना दिखाऊं तो मैं यहाँ जाकर क्या 6 महीने का ब्याज दिखा सकता हूँ? बीच में 4 ही तो महीने है, तो बेटा मुझे 2 महीने का इंटरेस्ट यहीं दिखा के जाना है इसी फाइनेंशियल ईयर में। तो मैंने बुक करा इंटरेस्ट, कायदे से मेरा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है जो मैंने पे नहीं करा, मुझे करना चाहिए था। ठीक है जी, मैंने दिखा दिया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, बेटा बैलेंस में भी दिखा दिया इसको, फिर बेटा बैलेंस को ब्रॉड डाउन किया, 4 महीने का इंटरेस्ट और निकाला और किस्त पे करी और खत्म। अब क्लियर है? ठीक है जी, बढ़े आगे। एक और मुश्किल, एग्जीक्यूटर अकाउंट करें। ठीक है, अभी आप नोट करो इसको। लो बेटा एक और मुश्किल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मतलब मुश्किल सिर्फ एग्जीक्यूटर अकाउंट होगा और कुछ मुश्किल नहीं होने वाला। लो जी बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की, फटाफट से करेंगे बेटा बात। द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड एज एट 31st of March 2020 वॉज लाइबिलिटी साइड बीपी, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, लोन, एक्स वाई और जेड की कैपिटल, एसेट साइड कैशेट बैंक, बीआर, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, पीएनएल अकाउंट। ठीक है जी, बोलता है द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 3:2:1, जेड डाइड ऑन 31st of July 2020, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट। बेटा फाइनेंशियल ईयर कितने महीने चला? 4 महीने चला, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। 31 जुलाई को डेथ हुई है। बढ़ते चलो, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3-year purchase of the 5-year average profit। और आपको बोलता है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March वर 2020 का, 19 का, 18 का, 17 का, 16 का, पिछले 5 सालों का प्रॉफिट इसने दे दिया। चलो जी, कहता है द डिसीज्ड पार्टनर टू बी गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर। अगर बेटा डिसीज्ड पार्टनर को कोई प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ा तो पिछले साल के बेसिस पे दे देंगे। ठीक है जी, निकाल लेंगे। एसेट की रीवैल्यूएशन की बात करता है पॉइंट सी में, हो जाएगा पॉइंट डी, अ सम ऑफ 12233 वाज पेड इमीडिएटली टू द जेड्स एग्जीक्यूटर एंड द बैलेंस टू बी पेड इन 2 equal annual installments। नन्नी, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट? एनुअल इंस्टॉलमेंट, साल के बाद किस्त देनी है बेटा और 2 ही किस्तों में पेमेंट करनी है, देखेंगे जितना बैलेंस आएगा। टुगेदर विद इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन द अमाउंट आउटस्टैंडिंग, जितनी अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगी उस पे ब्याज देना है। नहीं भी कहता तब भी हम यही करते थे। इस क्वेश्चन में देख लो बेटा, हम रिटर्न डाउन वैल्यू ही तो लगाते थे बेटा, जो रिटर्न डाउन वैल्यू है ब्याज उसी पे तो देते हैं या प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख पे ब्याज दिए जा रहे हैं, ऐसा तो कभी भी नहीं होता जी। और बेटा क्या कहता है, गिव जर्नल एंट्री एंड शो द जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल इट इज फाइनली सेटल्ड। ये अच्छा काम करा है इसने, कहता है एग्जीक्यूटर अकाउंट चमका चमका के बना देना जब तक सेटल नहीं हो जाता अकाउंट। ये तो बढ़िया किया इसने, 10-12 किस्तें देता, ऐसे क्या मजा 2 किस्तों में। ठीक है ना, वो मैं आपसे कराता हूँ, मैं थोड़ी करता फिर। चलो जी बेटा, जर्नल एंट्री की जगह हम क्या करते हैं, जेड का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं और रीवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट सी पूरा रीवैल्यूएशन से डील करता है। ठीक है जी, तो मैं फॉर्मेट भूल रहा हूँ बेटा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरा तो फोकस का एरिया बेटा एग्जीक्यूटर अकाउंट है। ठीक है जी, तो मैं फटाफट से रीवैल्यूएशन अकाउंट और जेड का कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ बिना फॉर्मेट के। ठीक है जी, और आप फटाफट से मेरे साथ साथ कैलकुलेशन करेंगे थोड़ी जल्दी से। ठीक है जी, कुछ कैलकुलेशन में अगर आपकी हेल्प लेनी पड़ी, जहाँ पॉइंट की कैलकुलेशन आई वहाँ मैं आपकी हेल्प ले लूँगा क्योंकि आप एक्सपर्ट हो उसमें। लो जी, लो प्यारे बच्चों, राहुल भाई आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, अगर कोई कैलकुलेशन पॉइंट में आई। आप बहुत गप्पे मारते हो भाई। लो जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ बेटा, और जेड्स कैपिटल अकाउंट सब सामने देख रहे हैं बेटा, अब हम बहुत स्पीड पे करेंगे। तो सबसे पहले बेटा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन,
बैलेंस ब्रॉट डाउन कर रहा हूं 12,000, मुझे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिखाई दे रहा है, जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है बेटा ऑन द लाइबिलिटी साइड, ठीक है बेटा ऐसा ही है। और बेटा रेशो दे रखी है 3:2:1, जेड की रेशो है 1:6 है, और बेटा फाइनेंशियल ईयर चला है 4 महीने, ठीक है जी, मैंने कैलकुलेशन के लिए लिख दिया, ठीक है। तो बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे कोई लाइबिलिटी नहीं है, लो वाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 6,000 रुपए का है, 1:6 इसका हिस्सा 1,000, ऐसे ही जनरल रिजर्व 6,000 रुपए का है, 1:6 जेड का हिस्सा, ऐसे ही बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस भी दिया हुआ है। एसेट साइड में सबसे लास्ट बात, पी एंड एल अकाउंट दे रखा है ना 6,000 रुपए का, 1:6 इसका हिस्सा 1,000, लो कितनी प्यारी प्यारी कैलकुलेशन, सब में 1,000, तभी तो मैंने कर दी, मुश्किल आपसे कराऊंगा ना। लो जी कहता है गुडविल कैलकुलेट करना, पिछले 5 सालों का एवरेज ले लेना और 3 ईयर परचेज देता है बेटा। लो जी कैलकुलेट करें पिछले 5 सालों का एवरेज, 24,000, 16,000, 20,000, 10,000, 5,000, 75,000 हो गया बेटा। 5 सालों का एवरेज आया 15,000 रुपये गुडविल है बेटा, 3 ईयर परचेज, तो यानी कि बेटा फर्म्स गुडविल इज 45,000, फर्म की गुडविल 45,000 है, जेड का शेयर कितना 1:6, और जेड का शेयर 1:6 है, तो बेटा गुडविल कैलकुलेट कर लो कितनी आएगी, 7,500 आएगी, आप कर लेना कैलकुलेट, ठीक है जी। 7,500 को कौन बांटने वाला है बेटा, एक्स और वाई बांटने वाले हैं 3:2 में, यानी कि 4,500 रुपये एक्स देगा और वाई देगा 3,000, लो जी बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 4,500, और बेटा 3,000 कौन देगा, वाई देगा, अभी तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में, बात ओके, बढ़े आगे बेटा। प्रॉफिट बोलता है डिसीज्ड पार्टनर को जो देना है वो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे देना है, और आप देखो ए पॉइंट में 31 मार्च 20 19 18 17 16 का प्रॉफिट पता है, तो बेटा पिछला साल मेरा 31 मार्च 2020 है, यानी कि पिछले साल के बेसिस पे देना है 24,000 पूरे साल का प्रॉफिट, फर्म का प्रॉफिट पूरे साल का, तो 4 महीने मेरा फाइनेंशियल ईयर चला है, 4 महीने का फर्म का प्रॉफिट कितना, और बेटा जेड का शेयर है 1:6, ठीक है ना, हाँ 1333 आ रहा है, ठीक है जी। तो बेटा लिख दो बाय पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट 1333, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़े आगे। रीवैल्यूएशन की बात आती है, कहता स्टॉक की वैल्यू 10,000 है, बैलेंस शीट में 9,000 लिखी है, लो बेटा स्टॉक को बढ़ा दो 1,000 से, डेटर 15,000, बैलेंस शीट में 16 के लिखे हैं बेटा, तो बेटा डेटर को कम कर दो 1,000 से, फर्नीचर 1,500, बैलेंस शीट में 2,000 का लिखा है बेटा, 500 से कम कर दो, सॉरी हाँ ठीक है ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी 5,000, बैलेंस शीट में लिखा है 6,500, 1,500 से प्लांट एंड मशीनरी को कम कर दो, और बेटा मेरे को बोलता है बिल्डिंग 35,000 जबकि बैलेंस शीट में लिखी है 30,000, तो बेटा बिल्डिंग को 5,000 से बढ़ा दो, और बेटा बोलता है बिल रिसीवेबल फॉर 600 वास फाउंड वर्थलेस, यानी कि 6,000 रुपये के बिल रिसीवेबल कम कर दो, तो बेटा रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस निकल जाएगा। हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड, हाईएस्ट टोटल है 6,000, तो बेटा रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ गया कितना, 3,2400 रुपये का प्रॉफिट आ गया। बेटा मैं नहीं कैलकुलेट कर रहा सबका शेयर एक्स वाई जेड, मुझे तो जेड का शेयर चाहिए खाली, 24 में इसका शेयर है 1:6, यानी कि 400 रुपये रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आएगा इसके हिस्से का, और बेटा मैं इसको कैपिटल अकाउंट में उतार रहा हूँ बाय रीवैल्यूएशन 400 रुपये, बताओ जी कोई दिक्कत तो नहीं, बस सब कुछ हो गया, बस अभी एक डी पॉइंट रह गया एडजस्ट करना, वो तो बड़ा प्यारा पॉइंट है, लो जी और यहीं से पता लग जाएगा आपने क्वेश्चन ठीक करा है, क्योंकि बेटा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 22333। ऐसे आएगा ये करके, अरे नहीं नहीं ठीक है, वो 2 दिया हुआ है ना, ठीक है ठीक है,
करके देखें एक बार टोटल, वैसे 14 और ये 14 है जो मैंने कहा था, ठीक है जी। तो क्या लिखूंगा बेटा, टू जेक्स एग्जीक्यूटर अकाउंट कहां पर? अरे यार, अरे लो, ठीक है जी, बात ओके, ठीक है। बैलेंस निकाल दिया मैंने, तो सिंपल बैलेंस निकाला यार, आप कैलकुलेट कर लेना, ऐसे मत करो, मेरे को घूरो मत, ठीक है ना, ऐसे ही निकाल लेना जैसे मैंने निकाला है, तुम प्रैक्टिस कर लो, ऐसे ही याद हो जाएगा तुम्हारे को, ठीक है जी। बैलेंस निकल गया, मुश्किल क्या है, जेड का एग्जीक्यूटर अकाउंट। दिक्कत पता है क्या है, डेथ की डेट क्या है, 31 जुलाई, और किस्तें देनी है एनुअली, यानी कि किस्त आएगी अगली 31 जुलाई को, उससे अगली 31 जुलाई को, बीच में फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा। ये तो सबसे मज़ेदार बात है, इसी बात के तो पैसे हैं बेटा, वरना हम भी आपके जैसे। लो जी, तो बेटा एग्जीक्यूटर अकाउंट यही तो सबसे मज़ेदार चीज़ है, और पेपर में इसके बिना क्वेश्चन पूछेगा नहीं, मैं पक्का बोल रहा हूँ, इसके बिना क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता। 6 नंबर लुटाने तो नहीं आया बेटा सीबीएसई बोर्ड, ठीक है जी। चलो बेटा, हम प्रिपेयर कर रहे हैं जेड का एग्जीक्यूटर अकाउंट, टाइम सिर्फ इसी पे लगाना है मुझे, और किसी पे लगाना ही नहीं है। और इस बार हम पहले क्या करेंगे, वो नंबर लाइन पहले ही बना लेंगे, ताकि हमारे दिमाग में क्लियर रहे कब कब क्या क्या इवेंट होने वाला है। लो जी, तो बेटा 31 जुलाई ईयर है हमारे पास बेटा 2020 बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। जेड कैपिटल अकाउंट से बेटा बैलेंस निकल कर आया था 2233, ठीक है जी। और बेटा डी पॉइंट कहता है अ सम ऑफ 12,233 वाज पेड इमीडिएटली टू द जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, आज ही पे कर दो 12,233 रुपये। तो बेटा ये तो आज ही पे कर दो, इसकी तो टेंशन लो ही ना बिल्कुल भी। टू बैंक अकाउंट, आज ही पे कर दिए जी 12,233 रुपये, और बेटा बैलेंस बच गया 10,000 रुपये, यानी कि क्वेश्चन तो सही चल रहा है भाई, फिगर पॉइंट में जा रही है दोनों, हाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है जी, बैलेंस 10,000 बच गया, बिल्कुल ठीक है ना, ऐसे पता लग जाता है ये ठीक चल रहा है। 10,000 देना है बेटा आपको, और बेटा बोलता है द बैलेंस टू बी पेड इन टू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन द अमाउंट आउटस्टैंडिंग। बेटा बैलेंस देना है, बैलेंस 10,000 देना है दो बराबर किस्तों में, टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम, यानी कि 5,000 प्लस इंटरेस्ट, ये दो किस्तें होंगी, ठीक है जी। किस्त कब कब देनी होगी ये सोच लो बेटा, आज 31 जुलाई 2020 को जेड की डेथ हुई है बेटा, एक किस्त आएगी 31 जुलाई 2021 को, और एक किस्त आएगी बेटा 31 जुलाई 2022 को। कोई समस्या इस बात में किसी को, हर साल बाद किस्त आएगी, दिक्कत क्या है, यहाँ फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, यहाँ फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, 31 मार्च 2021 पहले आ जाएगी बेटा, और यहाँ पर भी 31 मार्च 2022 पहले आ जाएगी बेटा, यानी कि कुल मिलाकर 4 बार कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन होगी, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, ठीक है जी। तो बेटा अगली किस्त देनी है 31 जुलाई 2021 को, लेकिन उससे पहले फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है बेटा, तो ऐसे मत छोड़ देना कि हम इंटरेस्ट ही नहीं देंगे बेटा, 8 महीने का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होगा, बुक कर लो। 8 महीने बैठते हैं 31 जुलाई से, 5 महीने दिसंबर तक और 3 महीने जनवरी फरवरी एंड मार्च, ठीक है जी। चलो जी, 31 मार्च 2021 बाय इंटरेस्ट, मैं इंटरेस्ट बुक कर रहा हूँ 8 महीने का, 10,000 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट देना है, 10% साल का इंटरेस्ट है, 8 महीने का कितना, अरे यार पॉइंट में 667, ठीक है जी। लो जी, 31 मार्च 2021 क्या लिखोगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन, कितने पैसे देने हैं, 10,000, और बेटा ये ब्याज भी है,
ठीक है, आप टोटल कर लेना, बिल्कुल बराबर आएगा। ओके बात, चलो जी इसी बैलेंस को उतार दो 1 अप्रैल 2021 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लिख दिया। अब बेटा किस्त कब देनी है, 31 जुलाई को देनी है। लो जी 31 जुलाई, मैंने ये वाला सिस्टम सॉल्व कर दिया, यहां हूं मैं, 31 जुलाई 2021 बाय इंटरेस्ट 10,000 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो 4 महीने का। वैसे मुझे करना नहीं चाहिए, जब मैंने ये कैलकुलेट करा हुआ है तो इसका आधा ही तो होगा, ये 8 महीने का इंटरेस्ट है 667, 8 महीने का इंटरेस्ट है ना 667, तो बेटा 4 महीने का कितना 333 तो होगा, आधा ही तो होगा। ठीक है जी, तो बेटा पे कर दूं 31 जुलाई को पहली किस्त, 31 जुलाई 2021 को आप किस्त पे कर रहे हो, कितनी देनी है 5,000 अलॉन्ग विद इंटरेस्ट 5,000, 1,000 रुपये का ब्याज आ चुका है 667, 8 महीने का आया था 4 महीने का ही आया, यानी कि कितने रुपए देने हैं बेटा 6,000। अब कितना बैलेंस बच गया देने वाला 5,000, ठीक है ना, लेकिन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट देना है। तो बेटा अगर अब किस्त देनी है तो कब देनी है, 1 साल बाद 31 जुलाई 2022 को अगले फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन बेटा उससे पहले फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, यानी कि 8 महीने का, फिर ब्याज कैलकुलेट करो, करो जी करो, 31 मार्च 2022 बाय इंटरेस्ट 5,000 रुपये देने हैं, 10% ब्याज देना है, और 8 महीने का ब्याज कितना, ठीक है जी। लो जी 31st of March 2022 टू बैलेंस कैरेट डाउन, कितना बैलेंस 5,000 और बेटा 333, टोटल बराबर आएगा, कर लेना, ठीक है जी। ब्रॉट डाउन करो बेटा 1st of April 2022 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन करा 5,333, बेटा 8 महीने का ब्याज 333 रुपये, 4 महीने का और निकाल लो, कौन निकालेगा जी, आधा कर दो डायरेक्ट, ठीक है ना बेटा। ये कब आया 31 जुलाई 2022 को बाय इंटरेस्ट, और बेटा किस्त पे करनी है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, कब पे करनी है बेटा 31st of July 2022 टू बैंक अकाउंट, कितना पे करना है पूरा का पूरा 5,000 और 5,500 रुपये की ब्याज 333, 8 महीने का इंटरेस्ट और 4 महीने का बेटा 167, तो बेटा मैंने पे कर दिया, क्वेश्चन खत्म। अगेन एग्जीक्यूटर अकाउंट मुश्किल कब होता है बेटा, जब बीच में फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा होता है, बस इसके अलावा कोई भी मुश्किल बात है नहीं, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।